नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे चाय पकौड़ी। और गाइज कमेंट बॉक्स में यार अपना फीडबैक जरूर दे देना कि हमें क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। आज हम खाएंगे खाना इसमें, पहाड़ी फील तो होना ही चाहिए खाने में। तो गाइज हम इसको पिल नहीं करेंगे, इसको छिलेंगे नहीं, क्योंकि छिलके में ही टेस्ट होता है। तो गाइस धनिया पुदीना भी डाल देते हैं, अच्छा रहेगा फ्लेवर के लिए। अब इसमें डाल देते हैं गाइस हम बेसन, टेस्ट के हिसाब से जितना है बेसन, नमक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, मसाले स्वाद अनुसार, और जादू। तो गाइज इसको अब मिला देते हैं ताकि आलू के रग रग में नमक मिर्च मसाले भर जाएं और टेस्ट लाजवाब आए। दोस्तों हम नेचुरल सोर्स ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम घर से प्लेट नहीं लेके आते ज्यादा एक्स्ट्रा, वैसे आउटडोर के लिए बेस्ट है। तो अभी सब कुछ रेडी है, पकौड़ी फ्राई करने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो गाइस जब तक हमारा तेल गरम होता है तब तक हम अपने लिए इन पत्तों के दो डोने बना लेते हैं, ये बहुत इजी है। आज हम खाएंगे खाना इसमें, पहाड़ी फील तो होना ही चाहिए खाने में। ये हो गए हमारे तैयार, तेल गरम हो गया गाइस, तो डाल देते हैं पकौड़ी। फुल हीट होने की चाहिए तेल, तभी पकौड़ी बनेगी मस्त वाली। और चूल्हा तो ऐसा है गाइस कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, टाइम से पहले ही कुक हो गया है, तो बढ़िया है हमारे लिए। तो यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी बारिश भी आ सकती है थोड़ी देर में, इसलिए हम पकौड़ी अब अंदर ही बैठ के खाएंगे। भाई जरा इसको उबल रहा डाल दो उधर, हाय 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 उबलने। तो हमारी चटनी भी बन गई है, इसमें अब हम नींबू डालते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं, खाते हैं पकौड़ी, चाय पीते हैं, मजा आएगा। वैसे तो हम इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे क्योंकि बिल्कुल फाइन चटनी में बिल्कुल मजा नहीं आता। वाव, इसमें पकौड़ी खाने का एक अलग टेस्ट आएगा। तो गाइस हमारी पकौड़ी बनके रेडी है, बस तो चाय थोड़ा गर्म हो रही है और उसके बाद हम बेलते हैं। भैया चाय एक एक्स्ट्रा भी डाली दे, हम ज्यादा चाय पीते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है? कैसा हाँ गाइस देखो अभी कैसे मजा आएगा चटनी का साथ। क्या ही बोले हैं, करारी बनी है पकौड़ी, करारी।